क्या आप सभी ने कभी ये गौर किया है कि जुमा की नमाज होती है संडे का मास होता है मगर हिंदुओं के पास क्या है जुमा के दिन मुस्लिम लोग पूरे देश भर में मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं क्रिश्चियन लोग हर संडे को अपनी फैमिली को लेकर चर्च में जाकर मास करते हैं हिंदू क्या करता है किसी ने गौर किया है आज तक और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे में एकता नहीं है मुझे कल एक डिस्टर्बिंग चीज देखने को मिली टीवी पर विश्लेषण करके मुझे बताया गया है मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं मुस्लिम राष्ट्रों से मिलाकर हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू है लेकिन वो 190 करोड़ मुस्लिम एक कॉल पर इकट्ठे हो सकते हैं हो जाते हैं अगर मैं सिंपल वे से कहूं एक सीटी मारते ही सब लोग एकजुट हो सकते हैं क्रिश्चियन लोग मिलकर एक दूसरे से फोर्स बन सकते हैं लेकिन हिंदुओं का क्या भाई कोई हिंदुओं के पास में कोई एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पूरे सौ करोड़ हिंदू जाने एक दूसरे को अरे साहब नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है हमें ये भी नहीं पता होता मुंबई सिटी या हर सिटी की ये बात है मैं मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को मैं 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 अगेन मैं वही कहूंगा कि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं कि मेरी बात में कितना वजन है लेकिन मैं पूरे देश के धर्माचार्यों को मैं देश के पूरे आ, संत समाज के जो बड़े बड़े आसीन पदासीन है मैं उनको कहना चाहूंगा आह्वान कीजिए आप एक दिन मुकर्र कीजिए एक दिन फिक्स कीजिए हफ्ते में एक दिन आप अपना लीजिए और अगर मैं मुझसे पूछो तो वो मंगलवार आ सकता है क्योंकि मंगलवार हनुमान का दिन है हनुमान जी का दिन है एक दिन मुकर्र कीजिए एक दिन फिक्स कीजिए जिसमें पूरे देश भर के लोग अपने अपने इलाके के मंदिरों में जाकर एक घंटे के लिए बैठ जाए क्या करेंगे आप लोग बैठकर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं क्रिश्चियन लोग अपनी अपना उनका एक अपना सिस्टम होता है उनके फादर बोलते हैं आप लोगों को हिंदुओं को कोई सिस्टम बनाने की कोई जरूरत नहीं कोई आरती नहीं कोई पूजा नहीं आप ओमकार नाथ का जाप कीजिए ओम एक घंटे तक पूरा जितने भी लोग चाहे पचास हो चाहे सौ हो चाहे दो सौ हो एक साथ मिलकर एक घंटे तक आप ओंकार नाथ का जाप कीजिए दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं ओम नम शिवाय, ओ नम इसका पाठ करिए आप एक घंटे तक या फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए अब आप देखिए मैं क्यों इस बात को उठाना चाहता हूं क्योंकि हमारे हिंदुओं में ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि अपने आप को बहुत सहिष्णु मानते हैं और कहते हैं हिंदू हमारा धर्म हमारा हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से कमिटेड नहीं है है धर्म कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, धर्म धर्म नहीं है हमारा धर्म जो है वे ऑफ लाइफ है मैं हमेशा से मना करता हूं धर्म था है और रहेगा और जब तक आप इसको अपना धर्म नहीं मानोगे तब तक आपके अंदर कभी भी एकता नहीं आएगी कभी भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा कभी भी आपके अंदर फोर्स नहीं आएगा इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे हमारे पूरे देश में आप इमेजिन कीजिए कि एक साथ पूरे देश में आप आप एक टाइम फिक्स कीजिए मेरे हिसाब से रात को शाम रात को सात से आठ बजे का टाइम फिक्स कीजिए सब लोग अपना अपना काम छोड़कर अपने नजदीक के मंदिर में जाएं एक घंटा बैठे और एक घंटा बैठ के अपनी सभा होगी जिसका नाम मैं सजेस्ट करना चाहता हूं हो सकता है नाम इसका मंगल धार्मिक सभा हो सकती है या मंगल धार्मिक मिलन हो सकता है या मंगल धार्मिक मिलाप हो सकता है आप लोग वहां जाइए हर हिंदू मैं अगेन बात करना चाहूंगा इसमें इसमें बौद्ध भी आ जाते हैं सिख भी आ जाते हैं जैन भी आ जाते हैं उनको भी आना पड़ेगा उनको भी साथ में आना पड़ेगा क्योंकि सौ करोड़ में उनकी गिनती होती है उन सब लोगों को अगर ये आदत पड़ जाए हर मंगलवार रात को सात से लेके आठ बजे मुझे अपने परिवार वालों को लेकर साथ में बच्चों को लेकर जाइए और मंदिर में जाके बैठ जाइए एक मेडिटेशन की तरह से आप लोग बैठकर वहां पर एक सभा कीजिए उसको उसका नाम मैं देना चाहता हूँ मंगल धार्मिक सभा या मंगल मांगलिक मिलाप या कुछ भी नाम रखा जा सकता है जैसे मुस्लिम कैसे नमाज कहते हैं क्रिश्चियन उसे मास कहते हैं आप उसे मंगल मिलाप कह सकते हैं वहां आइए आप देखेंगे आपका आपका पूरा देश आपके पूरे देश के सौ करोड़ हिंदू कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ एकजुट हो जाएंगे जिसका इस वक्त इस कॉन्टेम्प्रेरी आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उसमें हमारे हिंदुओं पर लोग एक तरह से हंसते भी हैं उनको पता है कि ये लोग कोई मिलने वाले नहीं है लेकिन अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो आप सही अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिर्फ जानोगे नहीं पहचानना शुरू कर दोगे जैसे कि मैंने कहा कि सिटीज में पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है इस बहाने आप आइए बाहर निकल कर आइए अपनी ड्यूटी मानकर आइए मैं हर हिंदू को कहना चाहूंगा और इसके लिए मेरी बात नहीं मैं बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक हमारे जो संत है गुरु है उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा की आइए आगे और अनाउंस कीजिए कि हर मंगलवार को सात बजे से आठ बजे हर हिंदू को किसी नजदीकी मंदिर में जाकर एक घंटा बैठकर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा जो बैठेगा उसको भी फायदा होगा क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ताकत है और दूसरा फायदा यही है कि आप लोग मिलोगे एकता करोगे और इस वक्त हिंदू समाज का एकता में आना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है मैं नहीं बताना चाहता लोग सब समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं लेकिन हिंदू समाज बटा हुआ है जुट और नंबर्स में ताकत होती है ये हिंदू से निकलकर सिख ये बौद्ध ये जैन इस बहाने साथ में आइए क्योंकि आप पहले हिंदू हैं उसके बाद में आप सिख हैं उसके बाद में आप बौद्ध हैं उसके बाद में आप जैन हैं मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं कि देश भर में कुछ ऐसा कानून बनाया जाए ये कानून के दायरे में हो या पता नहीं धार्मिक दायरे में हो लेकिन ये किया जाए और तब जाकर दोबारा कोई ये नहीं कह सकेगा कि सौ करोड़ हिंदू बटे हुए हैं क्योंकि हर मंगलवार को एक मांगलीय रूप से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ आप बातें कीजिए मिलते रहिए लोग एक दूसरे को पहचाना शुरू कर दुके जो कभी नहीं करते आप अंत में मैं हर हिंदू को इस बात से आगाह करना चाहूंगा कि अगर आप अपना फायदा चाहते हैं अपने देश की भलाई चाहते हैं अपने समाज की अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो एक होइए और इससे आगे बढ़कर एक और बात कहना चाहूंगा कि धर्म को धर्म मानिए यह मत कहिए कि वे ऑफ लाइफ है और तीसरी बात अपने बच्चों को अपने धर्म में इन्वॉल्व कीजिए मैं अक्सर देखता हूं कि माँ बाप मंदिर में जा रहे होते हैं और छोटे बच्चे मम्मी से कहते हैं कि मम्मी 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 मेरी सहेली मुझे खेलने के लिए बुला रही है और माँ कहती जा मत कीजिए आप उस बच्चे का हाथ पकड़िए और बोलो चलो इस वक्त मंदिर जाना है ये हर मुस्लिम करता है ये हर क्रिश्चियन करता है हिंदू क्यों नहीं करता इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आप बच्चों को बचपन से गीता पढ़ाइए बच्चों को मंदिर लेकर जाइए एक घंटा या जभी भी आप मंदिर में जाते हैं विजिट करते हैं बच्चों को साथ में लेकर जाइए ताकि धीरे धीरे वो अपने अपने देवी देवताओं को पहचानना शुरू करेंगे और एक हो जाएंगे कोई मुझसे पूछेगा सर आपकी ये बात क्यों माने हम लोग आप होते कौन है हमें यह बात कहने वाले तो मैं सिर्फ शक्तिमान का एक डायलॉग आपको बताना चाहूंगा जिसमें पूछा था कि आप कौन हैं तो वो कहता कि ना तो मैं कोई अवतार हूं ना ही कोई फरिश्ता बुराई का दुश्मन हूं सच से है मेरा रिश्ता दुश्मन मेरे बुरे लोग नहीं बुराई है अगर बात मेरी मानोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई है तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं 万钱。慢